मित्रों नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सपनों का संसार वैदिक एस्ट्रोलॉजर्स में। तो सपनों की सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज हम आपको बताते हैं कि जब आप अपने सपने में देखते हैं कि आपकी नाक टूटी हुई है, जैसे नाक से लेके कनपट्टी तक या नाक के पास से लेके आँख के पास तक या होठों के नीचे तक, तो इस तरीके का जब आप सपना देखते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है? मित्रों, जब आप अपने सपने में खुद को देखते कि किसी दुर्घटना में या आप अपने हाथ से अपने नाक को नोच करके बाहर निकालना इस तरीके से, तो यह सपना बताता है कि आपके पास कोई एक अच्छी योजना थी किसी भी तरीके की, जिसमें आप अपने आप को खुद से इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए आप सही से टाइम को समायोजित नहीं कर पा रहे हैं। तो कह सकते कि एक अपने जीवन में आप अच्छा अवसर खो देने की ओर है, तो आप समय रहते अपने उस अवसर को पहचानिए और आगे बढ़ने की कोशिश करिए। उस कार्य क्षेत्र में आप मेहनत के साथ आगे बढ़ सकते हैं, हमारा यही आपके लिए एक सजेशन होगा। वही मित्रों, अगर आप अपनी नाक से खून को बहते हुए देख रहे हैं कि किसी दुर्घटना में उससे खून बह रहा है, तो इसका अर्थ एक सीधा सटीक सा होता है कि आप निकट भविष्य में किसी दुर्घटना से ग्रस्त हो सकते हैं और आपको अपने इस परेशानी का सामना धैर्य के साथ करना होगा या उससे बचाव के तरीके ढूंढने होंगे। आने वाले समय में आपको कुछ छोटी कठिनाइयों को सामना करना पड़ेगा, लेकिन आप उनको हल करने में सक्षम होंगे। वहीं आप देख रहे हैं कि आपकी नाक टूटी हुई है, उसमें से खून बह रहा है, तो आपका ये सपना आपको बताता है कि आने वाले भविष्य में आपके साथ कुछ अच्छा नहीं होने वाला, तो थोड़ा आप सोच समझ कर चले। बाकी कोई भी अगर आपका ऐसा प्रश्न हो तो हमें ज़रूर कमेंट करें, हम उत्तर देंगे।